हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूँ एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 68 है। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान, बायो 72% तथा 44% छात्र गणित, 44% छात्र जो है गणित का चयन करते हैं, यानी कि मैथ्स का। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एक संख्या अवश्य होती है क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू इक्वल करने के लिए। तो यहां से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए, यहां पर कह रहा है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान गणित से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो, तो दोनों विषय की बात कर रहा है। तो यहां से हम दोनों विषय को देखेंगे, ये बायोलॉजी और ये मैथ्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो बोथ्स हो जाएगा ये। बहत्तर 44 116%। देखिए, 4 2 6 7 4 11 116%। और जैसे कि आपको पता है, हमारा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि वह 100% से ज्यादा दर्शा रही है तो यहां पर हमें पता लग रहा है 100% से ज्यादा आ रहा है 116%, यानी कि 16% अधिक आ रहा है। तो यह 16% दोनों विषयों की प्रतिशत को दर्शा रहा है, यानी 16% दोनों विषयों के लिए दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, ये लिखा मैंने, और इधर हम लिखेंगे दोनों विषय लेने वालों का परसेंट है 16%। देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे तो कक्षा में कुल छात्र आ जाएंगे। देखिए, परसेंट की 2 0 लगाई, अब 16 से डिवाइड करूंगा, 16 2 32, 8 बज गए, हो गए 80। यहाँ पर 16 5 80, ये 0 बज गए। तो इस प्रकार हमने इसको काटा 250 बार, तो कुल छात्रों की संख्या थी 250। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 250। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन भी है ये, इसको ध्यान से समझना है आपको। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। तो देखिए, इस पहले छात्र को हम पास कर लेते हैं, 30% अंक प्राप्त कर रहे हैं उसने और 25 अंकों से वह फेल हो जाता है, तो इसको पास कर लेंगे। तो 30% के साथ में प्लस 25 अंक और दे दिए जाए इसे, तो वह पास हो जाता है। पर हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल, अब दूसरे छात्र को भी हम पास ही करेंगे, इधर भी पास लिख देंगे, पास बराबर पास हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल बराबर के बराबर। पढ़ते हैं आगे, उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं। देखिए, दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक यानी के पास होने से भी 25% अधिक अंक
मिलते हैं, पास से भी 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो जब मैं इसको पास रखूंगा, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे तो 25% पास होने से भी 25% अधिक मिल रहे हैं, तो इसके 40% में से हम केवल इसे पास, इसके बराबर पास करना है तो घटा देंगे। कितने? पास से भी 25% अंक अधिक। तो पास हमारा कितना है? ये 30% प्लस 25, ये है पास। पास से भी 25% अधिक, 25% इसका 25% निकाल देंगे बटे 100। अब हम इसको अलग कर लेंगे। यहां पर हमें परीक्षा का पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा इससे। तो देखिए हम इसको अलग कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा। मेन चीज यही होती है इस क्वेश्चन की, इसको सेट करना, ये इंपोर्टेंट बात है। अब देखिए इसको अलग करेंगे, 30% को मैं 40 में से घटाऊंगा, 10% रह जाएगी। 25 बराबर 40% में से 30% घटेगा, 10% माइनस। अब मैं इसको अलग करूंगा, 25 एकम 25 चौका 100, 1/4 की गुणा यहां करेंगे, 30 एकम 30% बटे 4 और माइनस प्लस की गुणा करेंगे, माइनस 25 एकम 25 बटे 4। यहां तक मैंने इसको हल किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस परसेंट की वैल्यू को हल करेंगे और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। जैसे देखिए 25 में ये प्लस आ जाएगा इधर जुड़ के, ऐसे 25 चौका 100 और 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। देखिए इसे दिखा रहा हूं मैं, 25 में प्लस 25 बटे 4 जोड़ेंगे, 25 चौका 100 और 25 125, तो मैं लिख दूंगा 125 बटे 4 और बराबर इधर लिखूंगा, इसको अलग करूंगा, 4 × 40 में से 30% घटाऊंगा, 10% रह जाएगा और बटे 4। अब देखिए बटे 4 से बटे 4 कट गया ये, और परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगाऊंगा मैं, और इस 10 से इसको काटूंगा तो हमारा पूर्णांक आ गया 1250। पूर्णांक आ गया। अब उसने पूछा है तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक क्या थे। देखिए परीक्षा में उत्तीर्णांक यानी कितने अंकों पे वह पास हो रहा था। देखिए पास होने के अंक ये है, ये निकाल लेंगे हम यहां से। देखिए 25 अंक तो हमें पता लग ही रहा है, अब 1250 का 30% और निकाल लेंगे। देखिए पास अंक 1250 का 30% और प्लस 25 अंक ये है ये। अब यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, देख लीजिए परसेंट से ये 2 जीरो काट दी, 125 किए 375 और 25 जोड़ा 400, तो 400 अंक चाहिए पास होने के लिए। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 400 अंक। ऑप्शन ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 400 अंक। क्वेश्चन नंबर 70। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है। देखिए गाय 60% परिवारों के पास है, भैंस 30% परिवारों के पास है, तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है, दोनों गाय भैंस दोनों 15% परिवारों के पास है। यहां तक हमारा क्वेश्चन लिखे गया। यहां तक यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। देखिए
कुल परिवार की संख्या 96 है। देखिए 96 परिवार है। तो अब हम देखिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। गाय भैंस, गाय 60% परिवार रखते हैं और भैंस 30%, और दोनों गाय भैंस दोनों 15% रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से ये घटा देंगे और ये मालूम हो जाएगा गाय और भैंस दोनों को रखने वाले परिवारों का परसेंट आ जाएगा। देखिए 60 और 30 90 में से 15% घटाएंगे तो बराबर रह गया 75%। तो 75% परिवार दोनों को रखते हैं, गाय और भैंस दोनों को। दोनों को रखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। तो देखिए दोनों को रखने वाले परिवारों का परसेंट है 75%, और जो गाय या भैंस नहीं रखते हैं उनका परसेंट रह गया 25%। क्योंकि टोटल 100% होता है, 100 में से 75% घटाकर प्राप्त करेंगे 25%। तो 25% ऐसे परिवार है जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। और हमारे पास परिवारों की संख्या टोटल 96 है। तो 96 का 25% ज्ञात करेंगे कि जिनके पास गाय या भैंस नहीं है, ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 25 चौका 100, 4 से इसको काटूंगा 4 दुनिया 8, 1 बच गया, हो गए 16, 4 चौक 16। तो हमें पता लगा है 24 परिवार है जिनके पास न गाय है और न भैंस है। तो ऐसे परिवारों की संख्या हो गई 24। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 24। बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 5 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। देखिए 5 इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करूंगा। 5 लीटर मिश्रण है, इसमें 40%, 5 लीटर में 40% एल्कोहल है। अब कह रहा है इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाए। 1 लीटर पानी, पानी दो बार लिखा हुआ है, कोई नहीं, 1 लीटर पानी को मिलाया जाता है। तो जैसे हमारे पास 5 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर पानी और मिला देने से हमारे पास 6 लीटर मिश्रण हो जाता है। 6 लीटर इधर लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल करेंगे, बराबर के बराबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ये 6 लीटर वो आ गया, 5 लीटर मिश्रण था, 1 लीटर पानी और मिलाया तो 6 लीटर मिश्रण हो गया। तो अब नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, इस नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत पूछा है कितना होगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 2 3 6 और 2 से इसको काटूंगा 20 बार, 20 5 100 और बटे में ये आ जाएगा 3। तो एल्कोहल पता लग जाएगा कितना परसेंट है, 100 बटे 3 आते ही 3 से बात करेंगे 33, सही 1/3% है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 33, सही 1/3%, ऑप्शन डी है 33, सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 72, एक परिवार में चावल मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। देखिए चावल मछली
और तेल पर खर्च का अनुपात 12, 17 अनुपात 3 है। तो यहां से हम इसके टोटल खर्चे को जोड़ेंगे, 17 3 20 12 32, टोटल खर्च हो गया हमारा या खर्चा हुआ 32 का। अब आगे पढ़ेंगे इन वस्तुओं के मूल्य क्रम से 20% 30% और 50% बढ़ गए। देखिए इस पर हम 20% बढ़ाएंगे, देखो कैसे बढ़ेगा इसका 20%। और इस पर 30% और इस पर 50% बढ़ाते हैं। देखिए मूल्य क्रम से 20% 30% 50% बढ़ाए गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखिए खर्चे में होने वाले परसेंट की वृद्धि पूछा है, अब हम इसको हल करेंगे। देखिए 12 2 24 12 2 24 10% अब 17 के 51 में 0% 50 के 150। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से देखेंगे इसको हल करते हुए। अब यहां परसेंट हटाऊंगा मैं, परसेंट का बटे 100 है तो बटे 100 से 2 हम छोड़कर दशमलव लग जाएंगे यहां, और यहां पर भी 2 हम छोड़कर यहां, और इससे भी 2 हम छोड़कर यहां ऐसे। तो ये हमारी खर्चे में वृद्धि आ जाएगी। कितनी वृद्धि होती है इसको हम जोड़ लेंगे। लेकिन 2.4 5.1 और 1.5 इनको जोड़ेंगे। देखिए 2 और 5 5 2 7 1 8 8 8 हो गया, और 5 1 6 4 10 ये हो गया 9 9 हो गया। ये यदि हमने इन सभी को जोड़ा तो हमारा इनका जोड़ 9 आता है, 9। तो ये हमारी वृद्धि को दर्शा रहा है। और कितने पर वृद्धि हो रही है, 32 पर 9 की वृद्धि होती है, 32 पर 9 की वृद्धि होती है। और वृद्धि परसेंट में पूछी गई है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हम इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटता हूं, 4 8 32 और 4 से इसको काटा 25 बार, 25 9 225/8। अब हम इसको हल कर लेंगे, 8 2 16 6 बच गया, हो गए 65 8 64 1 बच गया और बटे 8। तो हमारे दिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 28 सही 1/8%। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 28 सही 1/8%। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया, बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रम से 20 रुपए बस किराया है तथा ट्रेन किराया 30 रुपए है। यहां तक हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। ट्रेन किराए में 20% की, देखिए ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 120% तथा बस किराए में 10% की वृद्धि, 110% हो जाएगा, ये 100 में जोड़ के लिखेंगे कर दी जाती है। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात याद करो। ठीक है अनुपात याद करेंगे यहां से। अब हमारे देखिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने 20 हटा दी, इस परसेंट से 20 12 3 36 और यहां से परसेंट से भी 20 हटाई, 11 2 22
तो इस प्रकार हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 36:22। अब हम इसको सरल भी कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं 36:22 को। 2 से काटेंगे, 2 से 18 बार और 2 से ये 11 बार, तो 18 और 11 का अनुपात आता है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 18:11। ऑप्शन बी है 18:11। क्वेश्चन नंबर 74, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आप सभी को। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी हो जाती है, आयकर की दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन करते हैं, हमारी जो इनकम है, आय है 100 है और दर परसेंट, आयकर की दर परसेंट, दर आयकर का मतलब टैक्स, तो टैक्स की दर हो गई हमारी टी, टी का मतलब टैक्स, ये मान लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, 100 कोई इनकम है उस पर टी परसेंट का हमारा आयकर लगता है, तो 100 में से टी आयकर घटा देंगे तो नेट आय हो जाएगी हमारी 100 - t। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां तक हो गया। अब कह रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, ये हमारा आयकर टैक्स, यानी टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, तो टैक्स में हम क्या करेंगे, 100 में जोड़कर लिखेंगे 119%, तो परसेंट से हम दो हम छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो हो गया 1.19 t, टी का मतलब टैक्स, इतना हो गया। अब हमारा नेट आय हो जाएगी, नेट आय हो जाएगी 100 - 1.19 t। देख लीजिए 100 में से घटा देंगे, अब टैक्स इतना लगेगा तो 100 में से टैक्स घट के नेट आय आ जाएंगे। अब हमें क्या करना, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करना। देखिए क्वेश्चन के अनुसार इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन का यूज करना है, 100 - t टैक्स यानी, और इधर लिखेंगे 100 - 1.19 t टैक्स। तो प्रभावी आय में जैसे ही 19% की वृद्धि होती है, इधर दिखाया गया 19% की वृद्धि होते हुए दिखाया गया है इधर की वृद्धि होती है, तो प्रभावी आय में, ये हमारी प्रभावी आय है, इसमें 1% की कमी हो जाती है, जब 1 की कमी हो जाती है 99% रह जाता है, 99% का बटे 100, तो आयकर की दर ज्ञात करो। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को तैयार करा और मैंने इक्वल टू इक्वल के द्वारा किया, अब हम इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 100 की गुणा इधर करेंगे और 99 की गुणा इधर करेंगे, 100 - 99 - 99 बराबर 10,000 और माइनस 100 की गुणा करेंगे 10 तो हम घट के जाएंगे, 119 t रह जाएगा। अब ये माइनस इधर ले जाके हम जोड़ देंगे, प्लस का हो जाएगा, 119 में से 99 घटाएंगे, प्लस का 20 t बचेगा और 10,000 में से 9,900 घटा देंगे, 100 बच जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 20 - 100, तो टैक्स, जो टैक्स की दर मानी है मैंने वो टी मानी थी, तो टैक्स दर हमारी टी बराबर हो गया 5%। 20 - 100, टी बराबर 5, यानी टैक्स दर 5% थी।
तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 5%। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बहुत ही अच्छी तरह समझना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यानी 9800 थी, लिख लीजिए 9800 थी। एक वर्ष में पुरुष 8% तथा महिला 5% की वृद्धि होती है, यानी कि एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? लेकिन बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। पुरुषों की संख्या पूछी है, जब पुरुषों की संख्या पूछी जाती है, यह क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन मेथड से ये आपके लिए कठिन और डिफिकल्ट पड़ेगा। इससे इस मेथड से इक्वल टू इक्वल से ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। देखिए जब पुरुषों की संख्या पूछी है तो क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं महिलाओं से। देखिए हमारी जनसंख्या थी 9800 में 5% महिलाओं की वृद्धि होती है। तो देखते हैं 5% कितना बैठता है, परसेंट से 2 0 काटी, 5 8 40 और 5 9 45 और 4 49 490। और यहां हम देख रहे हैं 9800 से यह कितना ज्यादा है, 9800 से यह 10,458 कितना ज्यादा है, यह है 658 ज्यादा। घटा देंगे इसमें से 9800 में से हम घटाएंगे 658, 658 बचते हैं। देखिए 8 0 8 5 0 5, 14 में तो 8 6 और 9 में से 9 गई, ये तो है। देख अब बस हो गया सवाल, लेंगे अंतर बराबर अंतर करेंगे। यहां पर देखिए 658 और हमारा यहां है महिलाओं की संख्या कितनी वृद्धि हुई है, 490 की वृद्धि हुई है। और यहां कह रहा है टोटल वृद्धि 9800 का 10,458 है, तो यहां पर कितनी वृद्धि हुई है? देखिए यहां पर तो हमारी 5% 490 है और यहां इसमें से ये घटाने पर 658 है, तो यहां दोनों का अंतर करेंगे 490 इसमें से घटा देंगे, दोनों का अंतर कितना 8 15 में से 9 गए 6 5 में से 4 गया 1 168 का अंतर है। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर के। देखिए 168 का अंतर है और यहां दोनों की प्रतिशत में 3% का अंतर है। देखिए अंतर से अंतर को काट देंगे, पुरुषों की संख्या आ जाएगी, काटते हैं। देखिए 3 5 15 एक बच गया, हो गया 18, 3 6 18 कट गया और परसेंट की 2 0 ये लगाई, तो इस प्रकार पुरुषों की संख्या हो गई 5600। और यदि महिलाओं की संख्या पूछता है 9800 में से 5600 घटा देंगे, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 5600, 5600। नंबर 76 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 20% कम हो जाता है, एक्स वाई का मान 20% कम हो जाता है,
तो 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100, 20 × 20 = 100, यानी 5 पर 1 की कमी आ जाती है, 5 पर 1 की कमी। तो अब इसको लिखेंगे हम ऐसे, एक्स वाई स्क्वायर में एक्स है 5 पर 1 की कमी 4 रह गया, फिर वाई स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे वाई और वाई, ऐसे लिखेंगे भाई 5 और 4 की कमी, फिर इसमें भी यही बात लिखेंगे 5 और 4 की कमी। इस प्रकार इनका गुणनफल है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स और वाई 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 का स्क्वायर, तो बराबर इनका गुणनफल हो जाएगा 5×25 = 125 और 4×16 = 64। तो यहां से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब इसमें पूछा है इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, इस पर 125 पर कितना कम हो रहा है, देखिए इसमें से घटा लीजिए 5 में से 4 घटाया 1 और 12 में से 6 घटाया 6, इतना कम हो रहा है 100% का चेंज। अब हम इसको हल करेंगे 25 × 125 = 100, 4 × 4 = 24, 244/5 इसको हल करेंगे 5×20, 4×5 = 40, समझ लो 5×40, तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 48.8, ऑप्शन सी है 48.8%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए तथा बी दो बिंदु है, देखिए ए और बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर कहीं भी एक बिंदु सी लगा दिया, एक बिंदु सी है तथा एसी, इस एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जब एसी की लंबाई 3 है तो बीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि टोटल ए बी 5 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, एसी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाती है। बहुत ही प्यारा सवाल, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करूंगा, देखना एसी 3 है, इसकी लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है 6%, और बीसी हमारा 2 है तो इसकी लंबाई कितने प्रतिशत घटाई जाएगी, ये पूछ रहा है, इसकी लंबाई घटेगी, बस ये पूछ रहा है। अब हम इसको हल कर लेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, 2 × 3 = 6, 3 × 9, लंबाई में 3×9% की कमी हो जाएगी, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 9%। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, देखिए 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में लिखेंगे, देखिए 1 घंटा 45 मिनट के घंटे बनाएंगे 60 से भाग, अब इसको हल कर लेंगे 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 7/4, ये घंटे हो गए, तो ये एक दिन का कितना प्रतिशत है, हमें पता है एक दिन में 24 घंटे हैं, तो अब इसको हम हल करेंगे आगे, एक दिन में 24 घंटे हैं और 7/4, ये 7/4 एक दिन का कितना परसेंट है, 100% का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे, देखिए 4 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 × 7 = 175/24%।
आपका आंसर आ गया 175/24%। या इसे भाग देगा दशमलव में ज्ञात करेंगे तो 7.291% आएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 7.291%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए 65 ग्राम इक्वल यूनिट बना लेंगे, जब यहाँ ग्राम है तो 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होंगे। ग्राम ग्राम में यूनिट इक्वल कर लिए हमने, तो 2000 ग्राम का 65 ग्राम कितना परसेंट है, 100 से गुना परसेंट का चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 से काटेंगे 5 एकम 5 ये 15 13/4% है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 13/4%। क्वेश्चन नंबर 80, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए 1% को लिखेंगे 1% का बटे 100, का मतलब गुणा, आधा का मतलब 1/2, दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसको लिख लेंगे हम दशमलव में, 2 से 1 को भाग करेंगे, आधा का मतलब 0.5 भी होता है ऐसे, या 1 एकम 1 बटे 2 गुणा 100 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से इसको भाग करेंगे 0.5, अब नीचे बटे में 100 है तो 2 जीरो से इसे भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर और दशमलव आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 अंक छोड़कर दशमलव हो जाएगा 1 अंक ये, और 2 जीरो से ये 2 अंक और आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 3 अंक छोड़कर दशमलव आगे बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.005। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 0.005।